आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। 2000 पारा शिक्षकों ने सीएम से मांगी इच्छा मृत्यु, 15 महीने से बकाया है मानदेय, स्वतंत्रता दिवस के दिन करेंगे सामूहिक आत्मदाह। दूसरी खबर, लालू यादव की सुरक्षा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या, पत्थर से कुचलकर शव को खदान में फेंका। तीसरी खबर, सरू राय मिले एसीबी के डीजी नीरज सिन्हा से, मैनहट मामले में एफआईआर के लिए दिया आवेदन, कहा नकली मैनहट कंपनी बनाकर डाली गई निविदा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के 2000 एमसीडीएलएड प्रशिक्षण पारा शिक्षकों को 15 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इससे उन्हें जीविकोपार्जन में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके बाद 2000 पारा शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीएम को पत्र लिखकर वेतन भुगतान का आग्रह किया है। भुगतान नहीं होने पर सिर्फ छतरपुर के 400 एनसीडीएलएड पारा शिक्षक रांची में 15 अगस्त को आत्मदाह करेंगे। पलामू जिला पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सरकार से 15 महीने से बकाए मानदेय का भुगतान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 15 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण अत्यंत दयनीय हालत और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड के पारा शिक्षकों ने झामुमो की बातों पर भरोसा किया था, जिसमें उनकी समस्या के समाधान की बात कही गई थी। झामुमो पर विश्वास कर ही उन्होंने पिछली तानाशाही सरकार का तख्ता पलटने की चुनौती दी थी। पिछली सरकार में उनका शोषण हो रहा था, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार द्वारा पारा शिक्षकों का बंद किए मानदेय को शुरू नहीं करा सकी है। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि झारखंड में अप्रशिक्षित पारा शिक्षक और एनसीडीएलएड पारा शिक्षक की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। पारा शिक्षकों के घर में खाने पीने का कोई भी साधन सुविधा नहीं बचा है। पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। 15 महीनों से मानदेय बंद होने और वर्तमान सरकार द्वारा भी बंद मानदेय का भुगतान नहीं करने के कारण पारा शिक्षकों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। रांची में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। वह हाल फिलहाल तक रिम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात थे। हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से पत्थर से कूचकर की गई है। उनका शव तुपुदाना उप क्षेत्र के बेरमांड स्कूल के पास स्थित पत्थर खदान से शुक्रवार को बरामद हुआ। घटना स्थल पर पड़े पत्थरों में खून के निशान मिले। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम की मदद से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मृतक एएसआई की पहचान कामेश्वर रविदास के रूप में की गई है। मृतक एएसआई कामेश्वर रविदास तुपुदाना ओपी में पद स्थापित थे और वह मूल रूप से बिहार के राजगीर के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने पत्थर खदान के गड्ढे में जब एएसआई का शव देखा तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हटिया एएसपी विनीत कुमार और तुपुदाना ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एएसआई की हत्या की जानकारी के बाद एसएसपी सुरेंद्र झा और सिटी एसपी सौरभ भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मैनहट घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक सरू राय सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों अपनी पुस्तक लम्हों की खता के लोकार्पण के बाद उन्होंने शुक्रवार को एसीबी के डीजी नीरज सिन्हा से मुलाकात की। एसीबी कार्यालय पहुंचे सरू राय ने डीजी सिन्हा से मैनहट घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच और कार्रवाई की मांग की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जिसने भी गड़बड़ी की है उसे भुगतना होगा। मेरी पुस्तक पर भी लोगों ने आरोप लगाए हैं, परंतु यदि मैं सत्य कह रहा हूं, तो जो भी इस गड़बड़ी में लिप्त हैं वे जेल जाएंगे। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो फिर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सच्चाई की बात है तो पुस्तक के लोकार्पण के बाद से ही हलचल बढ़ गई है और सच्चाई भी लोगों के सामने आ ही जाएगी। सरू राय ने डीजी को सौंपे आवेदन में कहा कि रांची के सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का काम हासिल करने के लिए झारखंड में नकली मैनहट बनाकर टेंडर डाला गया। यह असली मैनहट सिंगापुर नहीं है, बल्कि भारत में इस नाम की संस्था बनाकर निविदा डाली गई। इसकी जांच होनी चाहिए। यदि यह सही है तो अत्यंत गंभीर बात है। उन्होंने डीजी से अनुरोध किया कि दायर किए गए परिवाद पत्र पर कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। इससे षड्यंत्रकारी बेनकाब किए जा सकेंगे। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर।
प्रदेश कांग्रेस बिजली विभाग के अधिकारियों और केईआई कंपनी की लापरवाही के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसके दूसरे चरण में शुक्रवार को कुसई कॉलोनी डोरंडा बिजली विभाग कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया पर लाइव कार्यक्रम कर बिजली विभाग और केईआई की गड़बड़ियों की जानकारी दी गई। देखिए, हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन शुरू हुआ है वो बिजली विभाग के अधिकारियों और केईआई कंपनी के लापरवाही से हो रही लगातार मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन है। लॉकडाउन का समय है, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कम संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि लोगों की जो 22 लोगों की इस लॉकडाउन में मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी इन बिजली अधिकारियों की FIR दर्ज हो, इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको कंपनसेशन मिले, जिन लोगों के दुर्घटना में अपंग हुए हैं, विकलांग हुए हैं उनको मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर आज दूसरे दिन हम कार्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी खबर, रांची प्रेस क्लब की ओर से COVID-19 जांच कैंप का आयोजन शनिवार 1 अगस्त को किया जाएगा। जांच निःशुल्क है। इस जांच को लेकर जो सदस्य अपना रजिस्ट्रेशन प्रेस क्लब में कराए हैं वे सुबह 11 बजे क्लब पहुंच जाएं। उनकी जांच क्लब के बेसमेंट एरिया में होगी। राजधानी समेत पूरे राज्य में शनिवार को बकरीद मनाई जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विधि व्यवस्था को लेकर DC एवं SSP रांची द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इस बार सभी लोग घर में ही नमाज अदा करेंगे। चौथी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए पेइंग वार्ड से जल्द ही निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद लालू का इलाज रिम्स निदेशक के बंगले में ही किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन को सुरक्षा की दृष्टि से लालू को कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने इसकी सूचना जेल प्रशासन को दी है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।